मुख्य इश्यूज को लेकर है, दो मुद्दों पर है। हम सबसे पहले लाल चौक और तिरंगे के ऊपर पहले बात करते हैं। पिछले 7 दशकों से अगर लगातार लाल चौक और तिरंगे को लेकर कश्मीरी नेताएं जो चेतावनी देते रहे हैं, धारा 370 के निष्क्रिय होने और जम्मू कश्मीर के अंदर पूर्ण रूप से भारतीय संविधान लागू होने के बाद हर भारतीय के दिल में एक प्रसन्नता है और एक शौक है, एक उसके उधर उत्साह है कि अब वो लाल चौक पर तिरंगा फहराने के लिए किसी भी समय वहां पर पहुंच सकता है। हमने हाल ही के अंदर बीते कल भी एक प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को एक शिवसेना बाला साहब ठाकरे जम्मू कश्मीर इकाई की तरफ से एक विनती पत्र लिखा गया है, जिसके अंदर हमने लाल चौक पर 100 फीट का ऊंचाई का एक तिरंगा लहराने की मांग की है। स्थायी रूप से वो तिरंगा लहराता रहे, देश की शान तिरंगा लाल चौक पर अब लहराया जाए। इसके साथ ही स्वतंत्रता दिवस है कुछ 2 दिनों के बाद ही, तो शिवसेना के तमाम इकाइयों, जम्मू कश्मीर इकाई उसके साथ पंजाब हिमाचल से तमाम शिव सैनिकों ने निर्णय लिया है कि हम 14 अगस्त को लाल चौक के लिए कूच करेंगे। शिवसेना यहां से तिरंगा फहराने के लिए 15 तारीख को स्वतंत्रता दिवस के दिन लाल चौक पहुंचेगी, जिसके लिए हमारे पंजाब से भी शिव सैनिक यहां पर शामिल होने के भी आ रहे हैं, हिमाचल से भी शिव सैनिक आ रहे हैं। और हमारी प्रशासन और माननीय राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी से अपील है कि इसके लिए हमें पूरा सहयोग दिया जाए, शिव सैनिकों का उत्साह कम नहीं होने उन्हें दिया जाए। हर भारतीय चाहता है कि वहां पर लाल चौक पर तिरंगा फहराए, और तिरंगा फहराने के लिए हम प्रशासन और पुलिस प्रशासन का पूर्ण रूप से सहयोग की मांग करते हैं आप लोगों के माध्यम से। दूसरा हमारा जो मुद्दा है वो पाकिस्तान को लेकर है। लगातार पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के अंदर दखल अंदाजी करता आ रहा है, ये पाकिस्तान का इतिहास भी पिछले 70 सालों से लगातार जारी है। अब यूएन कश्मीर से जब से धारा 370 हट गई है और कश्मीर जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी बनने जा रही है, केंद्र सरकार इसकी देख रेख करेगा, तो पाकिस्तान इसको देखकर पूर्ण रूप से बौखला चुका है। वह यूएन से भी उसको निराशा लगी है, तमाम जितने बड़े देश हैं सब देशों ने पाकिस्तान के कश्मीर के मुद्दे को पूरी तरह से नकार दिया है। अब पाकिस्तान बौखला चुका है, कभी समझौता एक्सप्रेस को रद्द किया जा रहा है, बीते कल लाहौर दिल्ली बस सेवा रद्द की गई, कभी एयर स्पेस को रद्द करने की धमकियां दी जा रही हैं। तो हम पाकिस्तान को चेतावनी देते हैं कि पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद के अंदर शिवसेना सांसद संजय रावत साहब के जो अखंड भारत के पोस्टर लगे थे, अगर पाकिस्तान की ये दखलअंदाजी जारी रही तो वो पोस्टर कब हकीकत के अंदर बदल जाएंगे, पाकिस्तान भी इसको कानों कान खबर तक नहीं होने देंगे। तो हमारी बिल्कुल चेतावनी है कि पाकिस्तान अपने रवैये में सुधार करे और जम्मू कश्मीर को विकास की राह पर चलने दे।